तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो तमाम स्ट्रक्चर्स जो वादी के अंदर मौजूद हैं दे आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फिजोलॉजिकल प्रोसेस फिजोलॉजिकल करेक्टर्स का एक जो ड्रॉबैक है कि हम प्रिजर्व एनिमल्स के अंदर फिजोलॉजिकल करेक्टर्स की स्टडी नहीं कर पाते अब डिफरेंट किस्म के जो फिजोलॉजिकल करेक्टर्स हैं इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिफरेंट बॉडी स्क्रिएशंस इसी तरीके से सीरोलॉजिकल प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल डिफरेंसेस और इसी तरीके से जीनिक स्टेलिटी फैक्टर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इन तमाम फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मेटाबॉलिक फैक्टर्स या एंजाइम्स। मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर अगर हम मेटाबॉलिक फैक्टर्स या एंजाइम्स को कंपेयर करें तो उनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है तो इस बेस के ऊपर हम स्पीशीज को आइडेंटिफिफाई कर सकते हैं जिस तरीके से अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर मेटाबॉलिक फैक्टर्स या एंजाइम्स को कंपेयर करें तो उसके अंदर वाज डिफरेंस मौजूद होता है इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ऑर्गजम्स के अंदर जो बॉडी स्क्रीशंस होती हैं ये डिफरेंट होती हैं जिस तरीके से लाग एक इंसेक्ट है ये एक्सक्रीशन पैदा करता है जिसको लाग कहते हैं और इसको पेंट्स के अंदर वार्निशेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो इस इंसेक्ट के अंदर जो नंबर साइज और जो स्ट्रक्चर है ग्लैंड का जिससे ये स्क्रीशंस पैदा होती हैं वो वेरी करता है तो इसलिए इस करेक्टर को हम स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं